नारद जी की ताजा खुसुर फुसुर को मिस ना होने दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बालोद व दल्ली राजहरा दोनों ही नगर पालिकाओं में कांग्रेस जीत दर्ज करने में कामयाब हुई है। बालोद नगर पालिका में विकास चोपड़ा दोबारा अध्यक्ष चुने गए हैं, जबकि अनिल यादव उपाध्यक्ष चुने गए। दल्ली राजहरा नगर पालिका में बड़ा उलटफेर हुआ। शुरुआत से ही यहां भाजपा अध्यक्ष बनाने में कामयाब नजर आ रही थी, लेकिन भाजपा की गुटबाजी और अंतर्कलह की वजह से यहां कांग्रेस को अध्यक्ष पद और भाजपा को उपाध्यक्ष पद पर संतोष करना पड़ा। कांग्रेस के शिबू नायर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर भाजपा के संतोष देवांगन चुने गए। सबसे पहले आज के इस अच्छे दिन पर मैं पूरे कांग्रेस पार्टी का और बालोद की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने फिर से मुझे आशीर्वाद दिया और इतिहास रचते हुए एक ही व्यक्ति को दो बार नगर पालिका अध्यक्ष होने का गौरव दिया है। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि मैं क्या करूँगा, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि इन 5 सालों में बालोद का विकास द्रुत गति से होगा, जिला स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि अब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार है, जिसका विश्वास है कि अंत्योदय और सूर्योदय सबका उदय करना और अंतिम व्यक्ति का उदय करना, और इसी पे हम लोग चलेंगे। कांग्रेस पार्टी की रीति नीति है। मैं समझता हूँ कि किसी भी एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जब कांग्रेस की जनता को अपने चुनाव पर बालोद की जनता को कोई अखर महसूस हो। बालोद व दल्ली राजहरा पालिका में मिली जीत को जिला अध्यक्ष कृष्णा दुबे ने भूपेश सरकार की 1 साल की उपलब्धि बताया है। जनता ने कांग्रेस में विश्वास किया है, इसीलिए आज हमारे कहीं पे बहुमत होते हुए भी कई जगह हम लोग अपनी नगर पालिका नगर पंचायत में अपने अध्यक्ष बनाने में सफलता हासिल किए हैं। इससे स्पष्ट है कि लोग माननीय भूपेश बघेल जी के कामों का तारीफ करते हुए मोहर लगाए। बालोद जिले की कुल 8 निकायों में से 3 नगर पंचायत में भाजपा अपना अध्यक्ष बनाने में कामयाब रही, जबकि कांग्रेस ने 2 नगर पालिकाओं सहित 3 नगर पंचायतों में अपना अध्यक्ष बनाया। मंत्री अनिला भेड़िया के विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में कुल 67 वार्डों में कांग्रेस के 17 पार्षद ही जीत हासिल कर सके। दल्ली राजहरा नगर वासियों का आशीर्वाद है और चाहते हैं कि कांग्रेस जो विकास करा सकती है वो शायद भाजपा नहीं करा सकती, इसीलिए भाजपा के पार्षद लोग भी अपने वार्डों में विकास चाहते थे, इसलिए हमारे अध्यक्ष को सहयोग किए और हमारे कार्यकर्ताओं की एकता, हमारे संगठन की एकता का परिणाम है जो आज अध्यक्ष बना। हमारे संगठन और हमारे कार्यकर्ताओं की एकता है, उसका परिणाम है जो आज हमारे अध्यक्ष दोनों में जीत के आए और बालोद जिला में हमारे नगर पालिका में दोनों नगर पालिका में हमारा परचम लहराया। वो हमारे मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन है, प्रदेश अध्यक्ष का मार्गदर्शन है, जिसमें हमारे सभी संगठन और हम सब मिल के कार्य किए। बालोद जिले के सबसे बड़े निकाय दल्ली राजहरा में भाजपा अपना अध्यक्ष बनाने की स्थिति में थी, जबकि कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की। सबसे बड़ा और चौंकाने वाला परिणाम डोंडी लोहारा नगर पंचायत का रहा, जहाँ 15 वार्डों में कांग्रेस के सिर्फ 3 पार्षद ही जीत कर आए थे, लेकिन कांग्रेस ने निर्दलीय व बागी प्रत्याशियों को साथ लेकर अपना अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बनाया है। खबरची न्यूज़ के लिए बालोद से रवि भूतड़ा की रिपोर्ट। नारायण नारायण।